स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। 11 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजे आए और इन नतीजों में कांग्रेस को बहुमत मिला, यानी कि साफ हो गया कि राजस्थान में अब इस बार कांग्रेस की सरकार बननी है। लेकिन कांग्रेस की सरकार बननी है, इसके साथ एक सवाल और शुरू हो गया कि सरकार बनेगी तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, यानी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि इसके लिए दो नाम सामने हैं, पहला अशोक गहलोत और दूसरा सचिन पायलट। अशोक गहलोत पहले दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजस्थान कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं, वहीं सचिन पायलट वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। दोनों बड़े चेहरे हैं और दोनों को नहीं नकारा जा सकता, इसलिए हर कोई इस उलझन में है कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। हम दोनों के बारे में आपको बताएंगे, ये कारण बताएंगे कि आखिर सचिन पायलट क्यों, आखिर अशोक गहलोत क्यों। सबसे पहले अशोक गहलोत की बात करते हैं। अशोक गहलोत को राजस्थान का गांधी कहा जाता है, दो बार वो राजस्थान के सीएम रह चुके हैं। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, राजस्थान कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, वो अशोक गहलोत को अपना आइडियल मानते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत हमेशा हर किसी को साथ लेकर चलने की भूमिका निभाते आए हैं। राजस्थान में 2008 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, तो लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि अशोक गहलोत का नाम आज तक विवादों में नहीं आया। अशोक गहलोत को पसंद करने की जो एक और वजह है वो है कार्यकर्ताओं से उनका सीधा जुड़ाव। कहते हैं कि अशोक गहलोत को अपने विधानसभा के और बाकी विधानसभा के कई मुख्य कार्यकर्ताओं के नाम आज भी याद हैं, भले ही वो मुख्यमंत्री हो जाएं या AICC के सचिव हो जाएं। इसलिए अशोक गहलोत के नाम पर मुहर लगाने वाले विधायक अधिक हैं, क्योंकि वर्तमान में जो भी लोग विधायक बने हैं वो उनमें अधिकतर विधायक अशोक गहलोत के खेमे से आते हैं। इसलिए अगर कोई एक विधायक अशोक गहलोत का नाम प्रपोज कर देता है तो बाकी विधायक उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अशोक गहलोत गांधीवादी विचारधारा के हैं, सबको साथ लेकर चलना अशोक गहलोत की सोच में है। अशोक गहलोत AICC के महासचिव है, इसलिए केंद्र में भी पकड़ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर केंद्र से फरमान आता है तो अशोक गहलोत का नाम सबसे पहले रखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अशोक गहलोत के नाम पर कोई भी लड़ाई होने की संभावना नहीं है, क्योंकि चाहे सचिन पायलट के खेमे के लोग हों या फिर अशोक गहलोत के खेमे के लोग, दोनों ही नेता अशोक गहलोत के नाम पर राजी होंगे। क्यों? क्योंकि सबका कहना है कि राजस्थान की 7 करोड़ जनता ने अगर कांग्रेस को चुना है, उसमें से जितने भी वोटर हैं अगर उन्होंने कांग्रेस को चुना है तो उन्होंने अशोक गहलोत का चेहरा देखा है और अशोक गहलोत का चेहरा देखकर राजस्थान कांग्रेस को वोट दिया है। इस उधेड़बुन में लगातार मीटिंगें चल रही हैं। अब आखिरी फैसला राहुल गांधी के ऊपर है कि वो किसे विधायक दल का नेता बनाते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बनाते हैं। आगे आने वाले 5 सालों में कौन आपका नेतृत्व करेगा? तो अशोक गहलोत एक मजबूत नाम है, एक जमीन से जुड़े हुए नाम। सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत विधायक हैं, जो जोधपुर में आती हैं, वहीं के हैं वो अशोक गहलोत। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत का पल्ला कहीं ना कहीं भारी है, क्योंकि केंद्र के साथ साथ राज्य में और राज्य के नीचे जिले तालुके में भी उनकी पकड़ है, कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ है। दूसरा नाम आता है सचिन पायलट, युवा तुर्क नेता जिसने राजस्थान कांग्रेस को एक नई जान दी। क्यों? क्योंकि पिछला चुनाव हारने के बाद राजस्थान कांग्रेस एकदम से सिमट सी गई थी, लेकिन उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं युवा तुर्क नेता और अजमेर से सांसद सचिन पायलट। सचिन पायलट ने एक एक कार्यकर्ता पे मॉनिटरिंग करनी शुरू करी। कहते हैं कि राजस्थान कांग्रेस 5 साल पहले सूख गई थी, लेकिन संगठन को, राजस्थान कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने की जो जिम्मेदारी सचिन पायलट ने निभाई है वो कोई नहीं निभा सकता। हालांकि कई सारे युवा नेता हैं जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के फेवर में हैं। क्यों? क्योंकि सचिन पायलट युवा हैं और उनका मिजाज कहीं ना कहीं काम करने वाला है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने राजस्थान कांग्रेस को जिताया है, टोंक से चुनाव लड़े और लगभग 54,000 से अधिक मतों से जीते, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें। इसके अलावा राहुल गांधी के भी करीबी हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जब राज्य में थे पहले तो केंद्र में राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट ही एक ऐसे चेहरे थे जो लगातार देखे जाते थे। तो सचिन पायलट का नाम भी कमजोर नहीं है, क्योंकि इसके पीछे आगामी समीकरण भी शामिल है, जैसे कि लोकसभा चुनाव 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राजस्थान के मतदाता सीएम को देख के जरूर वोट करेंगे। राजस्थान के मतदाता जरूर ये देखेंगे कि राजस्थान में सीएम फेस कांग्रेस का कौन है, कौन सीएम बना है, तो लोकसभा चुनावों को देखते हुए सीएम पद का चेहरा चुना जाएगा। ऐसे में अशोक गहलोत अधिक खरे उतरते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के नाम पर आज भी राजस्थान कांग्रेस अधिक से अधिक वोट बटोर सकती है। अशोक गहलोत का नाम विवादों में नहीं रहा।
तो सबसे बड़ी बात कि लोकसभा चुनाव के लिए अगर सीएम चुना जाएगा तो वो अशोक गहलोत होंगे, क्योंकि लोकसभा राहुल गांधी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का पलड़ा भारी कहा जा सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत एक ऐसे नेता हैं जो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि वर्तमान में जितने भी विधायक बने हैं उनमें से लगभग पहले मंत्री भी रह चुके हैं और उनको मंत्री बनाने वाले अशोक गहलोत ही थे। तो अगर विधायकों के बगावती सुर राजस्थान कांग्रेस को नहीं देखने हैं तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी अशोक गहलोत को आगे करना पड़ेगा। सचिन पायलट अजमेर से सांसद हैं, इसके अलावा राहुल गांधी के करीबी कहे जा सकते हैं। बीते 5 सालों में उन्होंने हर एक जिले में, हर एक विधानसभा में सभाएं की हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उन्होंने घेरा है लगातार। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जब यात्रा चल रही थी तो 45 दिनों तक सचिन पायलट ने 45 उनसे सवाल पूछे। कहीं ना कहीं ये एक नेता की एक्टिविटी को डिसाइड करता है कि सचिन पायलट कितने एक्टिव हैं। सचिन पायलट को पसंद करने वाला भी खेमा है। सचिन पायलट ने भी टिकट बांटे हैं। सचिन पायलट के बांटे हुए टिकट में से लोग जीत के भी आए हैं, खुद वो 54,000 वोटों से जीते हैं। तो कुल मिला के वर्तमान में मुख्यमंत्री बनाना आगामी लोकसभा चुनावों की एक बड़ी वजह होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री उसी को बनाया जाएगा जो राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीटें कांग्रेस को जितवा कर दे। वर्तमान समीकरणों के अनुसार मुख्यमंत्री का बनाना मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए राजस्थान कांग्रेस से राजस्थान चुनावों से अधिक महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनावों में अपनी वापसी करना, जहां पर बीते चुनावों में कांग्रेस की बहुत दुर्गति हुई है। तो इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जरिए वो लोकसभा को मजबूत करना चाहते हैं। तो ये था पूरा समीकरण अशोक गहलोत और सचिन पायलट का। अशोक गहलोत या सचिन पायलट जो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो राहुल गांधी के इशारे पर काम करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ऐसे में उनके समीकरणों पर चलना हर एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लोकसभा चुनावों के लिए राजस्थान कांग्रेस को, राजस्थान की सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ये था पूरा समीकरण। आप हमें बताइए कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत, इससे पहले हमने जो पोल किया था उसमें सचिन पायलट का नाम ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि युवा लोग, जो युवा सोच के लोग हैं, उनका कहना है कि बदलाव होना चाहिए, सचिन पायलट को आना चाहिए। अशोक गहलोत 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब केंद्र में उनकी ज़रूरत है, वो AICC के महासचिव बन गए हैं, तो वो राहुल गांधी के साथ पूरा देश देखें, ना कि एक प्रदेश में अशोक गहलोत सिमट कर रह जाएं। इसलिए सचिन पायलट का नाम इस वजह से आगे किया जा रहा है। लेकिन आलाकमान का जो भी फैसला होता है, ये बात तो तय है कि पूरा का पूरा लोकसभा चुनावों पर निर्भर होगा। धन्यवाद।